स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। जहां एक तरफ अग्निवीर योजना के खिलाफ देश भर से युवाओं के विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि वो इस योजना को वापस नहीं लेने वाली। ऐसे में रविवार को तीनों सेनाओं से मुख्य अधिकारियों जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और एयर मार्शल सूरज झा शामिल रहे, उन्होंने एक अग्निपथ योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस योजना से जुड़ी कुछ अहम बातों को तो सामने रखा। इसके साथ ही जो इस योजना से जुड़े हुए मिसकॉन्सेप्शंस या भ्रांतियां हैं उनको दूर करने की एक कोशिश की। क्या रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम और जरूरी बातें, आइए देखें। अलाउंसेस मिल रहे हैं वो अग्निवीर को ज्यादा मिलेंगे, ओके। इसके प्लीज डोंट टेक हिम कॉस्ट टू कंपनी वगैरह जैसे वर्ड, देयर इज नथिंग। फौज की नौकरी एक जज्बा है, इसको आप पे से नहीं तोल सकते। हाउएवर जो ये आपके सामने दर्शाया गया है, ये सबसे पहले जो 17 लाख के करीब है ये उसकी पे है। एक सेवानिधि पैकेज है जिसके अंदर उसका योगदान 5 लाख है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख डालेगी। इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तकरीबन 1.5 लाख होगा, सो टोटल पे उसको 4 लाख तकरीबन इतनी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है वो हमारे बराबरी की रिस्क एंड अलाउंस नहीं लेगा, उसके जितने भी अलाउंसेस हैं सेम रहेंगे। अगर वो मेरे साथ सियाचिन में बैठा है ही विल गेट द सेम अलाउंस, अगर वो मेरे साथ राजस्थान में बैठा है तो उसको सेम अलाउंस मिलेगा, अगर वो मध्य प्रदेश में बैठा है मुझे भी नहीं मिल रहा उसको भी नहीं मिल रहा। सो इट इज इक्वेटेड, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। वो साथ वाले बिस्तरे पे सो रहा होगा, वो वही कपड़े पहन रहा होगा जो मैं पहन रहा हूं, वो मेरे साथ लंगर में बैठ के खाना खा रहा होगा, देयर इज नो डिफरेंस। कोई अलग बैरक नहीं बना दी अग्निवीर के लिए, बिकॉज उसने लड़ाई कल हमारे साथ करनी है, और अगर वो हमारे साथ देश के लिए बलिदान देगा तो देयर इज कोई गुंजाइश ही नहीं है उसको हम किसी तरीके से रत्ती भर भी उसको हम अपना छोटा सोचे, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। 15 तारीख को सुबह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि हम रिजर्वेशन करेंगे, उन्होंने ये नहीं बोला कितनी परसेंटेज करेंगे, उन्होंने बोला प्रेफरेंस देंगे सीएपीएफ में। जैसे ही 3 दिन निकले, और ये प्लान था, इसको ये मत सोचिएगा उन्होंने 4 जगह में देखी कुछ हरकतें होती हैं आर्सन की वजह से हुआ, नो, ये प्लान था। ये क्यों प्लान था? बिकॉज मालूम था कि ये 75% जो युवक हैं इतनी देर फौज 4 साल फौज के रहने के बाद ये देश में वापस जाएंगे, ये देश की ताकत है। जरूरी सूचना अपने यूथ को देना चाहता हूं कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू होगी। इसके ठीक 1 महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। सी, आज का युवक हमारे से अच्छा है, हमारे से पहले वाला युवक, करेक्शन, हमारे से भूतपूर्व सैनिक हमसे खराब नहीं थे, बट हमारी खुराक ज्यादा अच्छी है, उनकी खुराक हमारे से कम थी। आगे आने वाला जो युवक है उसकी खुराक भी अच्छी है, उसकी पढ़ाई भी अच्छी है, वो एक टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट है, वो पैदा हुआ है मोबाइल फोन के साथ, उसको पता है मोबाइल फोन का क्या है, और तो वो कल को जो ड्रोन वॉरफेयर हो, जो आप आज देख रहे हैं टीवी के ऊपर, एक टैंक चल रहा है, टैंक को टैंक नहीं लड़ रहा, टैंक को एक ड्रोन लड़ रहा है, तो आगे आने वाली जो लड़ाई है वो अलग किस्म की होगी, टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी। अगर वो टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी तो उसके लिए अलग किस्म के लोग चाहिए, और वो कौन सा किस्म है? हमारा यूथ।